हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। ख्वातीनो हजरात, नाज़रीनो सामीन, मेरे प्यारे फॉलोअर सब्सक्राइबर, सबको है व्लॉग में खुशामदीद। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम फिर यूनिवर्सिटी की तरफ निकलने वाले हैं, तो भाई जल्दी से ना इसमें देखते हैं कि पेट्रोल वेट्रोल है या नहीं। तो भाई जब आपके इसमें ना पेट्रोल हो, बिग फैन भाई शंदर में जा रहे हैं, देखो अच्छे काम में जा रहे हैं, जल्दी जाओ। तो भाई यहाँ पर जो है ना, जब आपके बाइक के अंदर ना पेट्रोल थोड़ा हो जाए, आपने मतलब एक दिन पहले पेट्रोल डलवाया और उसमें बच्चा है ना, आपको बहुत खुशी होती है यार इस महंगाई के दौर में। तो पेट्रोल हमारे पास है, तो हम अभी जो है ना स्टार्ट करके जल्दी से निकलते हैं। और लग रहे भाई आज बारिश वाला सीन होने वाला है। तो गाइस आज का जो है ना मौसम हमारा ठंडा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बूंदाबांदी हो रही है। तो इससे जो है ना ठंडक और बढ़ती जा रही है, मगर मौसम को भी हमें इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। ज़ाहरी बात है जब हम सर्दियां आती है तो हम उनके सौगात से, सर्दियों में खान पीन होती है हमारी, उससे हम लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। भाई बूंदाबांदी शुरू हो गई है अब, वाह 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 वाह। तो भाई जो मौसम के साथ जो है ना खूबसूरती आपको नज़र आ रही है ना, क्या एक प्यारा लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बड़ी तस्बीह तस्बीह बस अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं या फैशन है? नहीं, इसका तो पता सिर्फ उसी को। मैं तो समझता हूँ भाई सूफी बंदा है, अल्लाह अल्लाह करता है। व्लॉग में पोस्ट करना, हम लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं? बेफिक्र रहो यार, मैंने उस दिन देखा था। चले वो शुक्रिया भाई। वो जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, जो मेरे मुखलिस दोस्त हैं, जो मुझे कमेंट करके समझाने की कोशिश करते हैं भाई तू किन चीज़ों में लग गया है, व्लॉग व्लॉग तो बना रहे हैं, तू यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो भाई मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखो पढ़ाई के साथ साथ आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए जिससे आपका दिल खुश हो। ठीक है, दिल खुश हो आप जो है ना, आप क्या, आपकी मुस्कुराहट ने मेरा स्क्रिप्ट ख़राब कर दिया भाई। तो भाई आपको ना ऐसी चीज़ों पे काम करना चाहिए जिस पे आपका दिल खुश हो, आप प्रैक्टिकली लाइफ में आप आगे बढ़ें। आप लोगों की मोहब्बत प्यार की वजह से हम ये चीज़ें बना रहे हैं और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं भाई, बहुत प्यार दे रहे हैं। अच्छे व्यूअरशिप हमारी आ रही है, बस आपने यूट्यूब का तो ख्याल करना है साथ साथ। देखो भाई कितना अच्छा भाई स्टूडेंट है कि जो सबसे पहले क्लास में आके बैग शेक रख के यहाँ से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ही आता हूँ भाई क्लास में, ये सारे तो बाद में कोई आ रहे होते, लेट शेट होते, मैं लेट नहीं होता भाई। मैं सबसे पहले जो ना अपने क्लास में आके अपनी चीज़ें यहाँ पर रख देता हूँ, इसके बाद भाई वो व्लॉग च्लॉग बनाते हैं। खाली खाली सा है समा आज भाई, हर तरफ खाली है। वो क्यों नहीं बताया सैलरी कितनी है, तनख्वाह तो बताई नहीं तुमने? तो तुम पूरी वीडियो देखो ना, मुझे नहीं पता तू पूरी वीडियो, तू अगर ना वो खातून वीडियो में आती है ना तो पूरा देख लेते। खातून की वजह से नहीं, फिर पता मैं नहीं देखता क्योंकि यार मुझे लगा ऐसे ना कि, वरना मैंने बता दिया है उसमें। मेरे तो एंट्रो मैंने इसलिए डाल दी थी कि ताकि जो है ना लोग तजस्सुस से वीडियो पूरी पूरी देखे ना, बल्कि भाई हर गली में ना ये चीज़ें लगी होती है कि आपने यहाँ पर ट्रिप जाना है, हमारे साथ जाना है, इतने पैसे और 2900 रुपये भाई वो ले रहे हैं। 3000 रुपये में क्या क्या आपको, आप अकेले जाए ना, आप गिल की घूम के आ सकते भाई। क्या यहाँ पे सीन बना दिया, बारबेक्यू भी आपको मिल रहा है, चाइनीज़ भी आपको मिल रहा है, फास्ट फूड भी आपको मिल रहा है और तुर्किश पता नहीं क्या क्या है यार ये तो। हाँ साथी क्या कहेंगे यार, अच्छा से उन्होंने निज़ाम बना दिया। क्या क्या यूनिवर्सिटी के कपल्स बैठे हुए, चुप रहो चुप रहो, क्या 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 यूनिवर्सिटी के कपल्स बैठे हुए, कपल्स के लिए बनाया है तो सारे लड़के बैठे हुए, किधर है कपल? ओ भाई किधर है कपल? वो तो सारे देखो लड़के बैठे हुए, मोटे मोटे सारे, कहाँ है कपल, किधर है? इनके बीच में कपलिंग हुई है तुम्हें नजर? भाई कपल हो शाओ भाई जो भी हो, हमें तो यहाँ पे चाहिए कि कोई अच्छे रेट में हमें ना चीज़ें मिले। मुझे लगता है भाई ये तो सारे कारोबारी बन गए, इधर भी है वो भी ढाबा बना दिया, वो अनजान है पता नहीं क्या है, अनाज है वो, अनजान है अनाज है, बल्कि अनाज कैफे बना दिया और वहाँ पे भी ढाबा बना दिया, वो 60-60 हज़ार रुपये में भाई बच्चों को दे देते हैं कि ये लोग बिना कुछ सीखे कारोबार करें। मगर इनको क्या पता इन जैसे नालायक लोग जो है ना, एक्सपेंसिव है ना बहुत यार। आप अगर यहाँ पे शुरू करें ना बहुत बिजनेस आप कर सकती है सच में। मेरा क्यों चलेगा, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना यूनिवर्सिटी में। कौन सी फैन फॉलोइंग, दो लोगों को जानती हूँ मैं। बल्कि जो है ना म्यूजिकल रूम है यहाँ पे, जो है ना बच्चे जो टैलेंटेड है ना वो यहाँ पे गाते हैं सुनते हैं। ये देखे भाई वाह क्या आवाज है, बारिश की बूंदा बूंदी में वाह।
जबरदस्त बल्कि हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये रूम बनाया गया है। यहाँ पे आके वो गा सकते हैं, सुना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई इस तरह के अच्छे अच्छे यहाँ पे भी काम होते हैं। तो भाई आज मैं कराटा क्लब में आया हूँ और मैं थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। बहुत ही पहले मैं किक वगैरह करता था, तो आज जो है ना यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि किकिंग वगैरह हमारी कैसे है, ख़राब हो गया या ठीक हो गया, चेक करते हैं। बात आज की है तो काफी अच्छे बात कर रहा हूँ, दोबारा से स्केचिंग निकालने की जरूरत है तो ट्राई करते रहेंगे भाई। ये हमारे मुंतजिर भाई है, कर्दू से ताल्लुक है, यहाँ पे वो क्या है भाई कोच है। बस यार ट्रेनिंग कराता हूँ, ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों को भाई, रोजाना 3 बजे से लेके 5 बजे तक बच्चे बच्चों को सिखा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। जी। तो भाई ये जो है ना हमारे चाइना से आए हुए हैं और चाइना से आके वो अरबिक सीख रहे हैं भाई। योर डिपार्टमेंट अरबिक, यू नो जरबा जरबा जरबू जरबत जरबता जरपना जरपतुमा जरपतुम जरपती जरपतुमा जरपतुमा यजरबु यजरबान यजरबु न तजरबु तजरबान यजरब न तजरबु अजरबु न जरबु दरबा दरबा दरबो दरबता दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुम न दरबतु दरबना। ओह व्हाई यू आर इंटरेस्ट इन अरबिक? गुड क्वेश्चन। मुस्लिम मुस्लिम, यू आर मुस्लिम इन चाइना? तो भाई ये चाइना में जो है ना हमारे मुसलमान भाई है और ये जो है ना अरबिक सीख रहे हैं। जी उर्दू भी आती है आपको? थोड़ा सा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज, काफ़ी अच्छे बात जो है ना मैंने जो है ना किकों की जो है ना किक्स की जो है ना प्रैक्टिस की है और साथ में हमारे चाइनीज़ जो भाई है बहन है भाई जो भी है उनसे भी मेरी मुलाकात हो गई और उन्होंने भी कहा कि हम जो है ना यहाँ पे कोई अरबिक सीख रहे हैं, कोई उर्दू में लगे हुए हैं, कोई पंजाबी में लगे हुए हैं। भाई चाइनीज़ पंजाबी ज़ुबान सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हम तो चाइनीज़ सीखने के लिए चाइना जाते हैं यहाँ से। इसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी वगैरह हो रही थी तो आज ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये न्यू बिल्डिंग फ्रेश बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? डेरे मिल्क के भाई स्टिकर्स लगवा दिए हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये शॉप बना रहे हैं क्या यार। अच्छा ये लाइब्रेरी स्टाइल बुक्स वगैरह भी आप खरीद सकते हैं भाई, यहाँ पे बड़ा लश माहौल है। और ये जो है ना आपको देखे कुर्सियाँ लगा दी है जी, इससे ऊपर भी है अभी भाई अनजान क्या है अनाज कैफे, भाई अनजान कह रहा हूँ अनाज कैफे ने बड़ा सीन कर दिया है भाई नमल में। आपको भाई F6 F7 और आगे पीछे सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहाँ पे पार्टी शार्टी कर सकते हैं भाई। अरे तो भाई ये जो हमारे दोस्त यहाँ से जा रहे थे ये लोग भी हमारे ब्लॉक से थे। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? गालिब ब्लॉक। गालिब साहब को सुनते हैं फिर देखते हैं, देखते तो नहीं है यार वो खुद हो गए। क्या कौन सा चल रहा है आपका? हम कोर्स कर रहे हैं। किस चीज़ का? कोरियन लैंग्वेज कोर्स है। कोरियन कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा सिंध से। सिंध से? सिंध में कोई यार जुमला बोल दे सिंधी। सोना सा लगा था। क्या मतलब है इसका? इसका आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया जी। क्या खिदमत करें? कुछ भी नहीं। तो भाई मेरे जो है ना इंटरव्यू कल एक रेडियो में हुआ था और आज एक और इंटरव्यू करने के लिए भाई आए हैं यहाँ पे, तो अभी ये ट्राईपॉड वगैरह लगा रहे हैं और माइक वगैरह तैयार हो रहे हैं और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब सेट वेट कर रहे हैं। और तो भाई आप रेडी हो गए? हमारा भाई छोटा सा स्टूडियो है इधर ही हम गुजारा करते हैं। तो अभी रेडी हो गए आप भी? जी रेडी है रेडी है। रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं।